सलाम बीबी रानी। बीबी रानी। हाँ हाँ। आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो तुम्हारे ख्याल से परेशानी की कोई बात नहीं है। आपके परेशान होने से वो वापस तो नहीं चले जाएंगे। आप सिकंदर साहब को समझाएं। सिकंदर ने बहुत गलत किया शेर आलम। फिरोज यहाँ पे जरूर किसी प्लान के तहत आया है, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। बहुत गिर सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है बीबी रानी, लेकिन अगर आप यूं ही परेशान रही तो आप कमजोर पड़ जाएंगी, और एक बार दुश्मन को पता चल गया कि आप कमजोर हैं तो फिर वो छुप के नहीं सामने आके वार करेगा। बहुत प्यार करते हो रोहित से। उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। आपको शायद अपने प्रोजेक्ट की फिक्र हो रही होगी। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है सिकंदर, खासकर अब जब तुमने अपनी मदद के लिए फिरोज को बुला लिया है। उससे क्या होता है? आपने भी अपने बिजनेस को इनिशिएट करना है। मैंने डैड को बुला लिया, उसमें क्या बुरी बात है? मुझे अफसोस है अगर तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो फिरोज कुछ भी नहीं होने देगा सिकंदर। वो सिर्फ अपने बदले लेने के लिए आया है यहाँ। अच्छा, आप भी तो 20 साल में से बदला ले रही थी। मैं तुम्हें रोहित से मिलवाऊंगी, बल्कि मैंने उसे बुलाया है ऑफिस, रोहित को, और उससे मैं नहीं तुम मिलोगे। लेकिन इस बात का जिक्र फिरोज से मत करना, बेहतर है कि वो यहाँ से जल्द ही चला जाए।